अच्छा, बिहार में छठ को लेकर गहरी आस्था होती है, सब जानते हैं। जब भी ये त्यौहार आता है, हर बिहारवासी अपने शहर, अपने गांव जाना चाहता है। जाहिर है, हर कोई अपने घर जाकर अपनों के बीच में मनाना चाहता है इन त्यौहारों को, है ना? लेकिन इस साल हो सकता है बहुत से लोग अपने घर ना जा पाए, ये त्यौहार मनाने की ख्वाहिश उनकी वहाँ अधूरी रह जाए। वजह क्या है इसकी? वजह है रेल और हवाई टिकट, जो इतने महंगे हो चुके हैं कि उनके लिए 4-5 गुना ज़्यादा दाम चुकाना पड़ सकता है। ट्रेन की टिकट में वेटिंग इतनी लंबी है कि उसका कन्फर्म होना मुश्किल नज़र आ रहा है, और फ्लाइट के दाम आसमान छूने लगे। दिल्ली का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो या फिर पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन हो या फिर आनंद विहार, किसी भी स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं है। बिहार की तरफ जाने वाली तमाम ट्रेनें छठ पूजा से पहले हाउसफुल हो गई हैं। हवाई टिकट के दाम भी आसमान छू रहे हैं। जो टिकट पहले 4,000 रुपए का था, वो अब 22,000 रुपए का हो गया है। यह हाल तब है जब छठ पूजा में आधे महीने से ज्यादा का समय अभी बाकी है। यहाँ की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, उसके बाद छठ का त्यौहार है, और हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपने गांव, अपने घर पहुंच सके, और इसी कोशिश में लगातार लोग रेलवे स्टेशन की तरफ आते हैं। हालांकि ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, लेकिन जिनको ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिल पा रही, वो लोग कोशिश करते हैं कि रेलवे स्टेशन आकर यहाँ पर किसी तरह से उन्हें टिकट मिल जाए। अगर आप IRCTC की साइट पर टिकट बुक करना चाह रहे हैं, पर हर कोई घर जाना चाहता है, वो भी छठ पर, एक तरफ लंबी होती जाती वेटिंग लिस्ट है तो दूसरी तरफ उम्मीद कि शायद कुछ रास्ता बन जाए टिकट कंफर्म होने का। अब पहले जैसी बात तो रही नहीं कि वेटिंग का ऑनलाइन टिकट लेकर आप ट्रेन में चढ़ सकें। दिल्ली से पटना वापसी या फिर पटना से दिल्ली जाने के लिए कितना किराया कम हो रहा है, लेकिन अफसोस किराया कम नहीं होता है, बल्कि हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में दो में से कोई एक बात चुननी पड़ती है, या तो ज्यादा रकम चुकाकर अपने लोगों से मिलने की तमन्ना पूरी कर पाए, या फिर अफसोस करें। छठ पूजा के वक्त एक कंफर्म टिकट हासिल करना किसी जंग जीतने या लॉटरी का टिकट खोलने से कम नहीं। सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है जो भीड़ के चलते जनरल बोगी या स्लीपर कोच में यात्रा नहीं करना चाहते। इनमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चे और वो लोग होते हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं। एक बड़ा सच ये भी है कि छठ पूजा से 2 से 3 महीने पहले ही टिकट बुक होने लगते हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को टिकट नहीं मिलता और वो बिना बिहार जाए ही रह जाते हैं। हर साल रेलवे इस समस्या को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रेन चलाता है, लेकिन इसके बाद भी कन्फर्म टिकट की किल्लत दूर नहीं हो पाती। इस बार रेलवे ने छठ पूजा के लिए 283 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, जो 4,480 फेरे लगाएंगी। रेलवे जो दावे कर रहा है कि इतनी ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, ऑलरेडी लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद दी जा रही है कि उनको घर जाने में आसानी हो, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीर ये है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको टिकट मिल नहीं पा रही है, जो टिकट की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों की आबादी को देखते हुए ये ट्रेनों की संख्या ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। रेलवे एक्स्ट्रा ट्रेन के नाम पर अपना पल्ला झाड़ लेता है, उधर लोगों की मजबूरी का फायदा दलाल उठाते हैं, जो एसी टिकट के लिए दुगने से तिगुने दाम वसूलते हैं। ट्रेन का भी कोई अच्छा हाल थोड़ी है, एक एक टिकट नहीं मिल रहा है ट्रेन में, सारा फुल हो गया है ट्रेन, कोई नया ट्रेन नहीं। उस समय यही कॉन्सेप्ट हुआ जो प्रधानमंत्री जी का आया था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। आप मुझे बताइए कि 15,000-20,000 में तो जूता और सूट बूट वाला भी हवाई जहाज नहीं चढ़ सकता है, हवाई चप्पल वाला कहां से चढ़ेगा। जिन लोगों की आमदनी ज्यादा है वो ज्यादा दाम देकर टिकट खरीद लेते हैं, लेकिन जिनकी आमदनी कम है वो टिकट की रेस से बाहर हो जाते हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरे इलाकों से भी घर लौटने की मारामारी इस समय खासी बढ़ जाती है।
रेल आम आदमी की खास सवारी होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका किराया, जो दूसरे यातायात के मुकाबले कम होता है। इसलिए किसी भी आम आदमी की पहली पसंद ट्रेन होती है, लेकिन छठ पूजा से पहले यही ट्रेन पकड़ से बाहर हो जाती है। छठ पूजा पर हर साल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से पटना के लिए करोड़ों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं, इसीलिए छठ पूजा से 2-3 महीने पहले सारे टिकट बुक हो जाते हैं। जो लोग आखिरी वक्त का इंतजार करते हैं उन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता। अब बात आ गई कि सरकार इस दिक्कत को समझती है। सबको पता है कि दिवाली और छठ पर बिहार की रेलगाड़ियों में इस तरह से होता है, इसीलिए रेलगाड़ियां और फ्लाइट्स फुल हैं। लिहाजा रेल मंत्री खुद इसके लिए सामने आए और अश्विनी वैष्णव ने ये कहा कि 283 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। एक बात और, जितने पैसे में छठ के मौके पर पटना का हवाई टिकट आ रहा है उतने पैसे में तो विदेश की सैर बड़ी आसानी से हो सकती है। अब आपको समझाते हैं कि आखिरकार हम ये क्यों कह रहे हैं, फेस्टिवल सीजन में बिहार इतना डिमांड में कैसे आ जाता है। आमतौर पर दिल्ली से पटना का एक तरफ जो एयर टिकट है वो 5-6 हज़ार रुपये के बीच में रहता है, 4 से लेकर 6 हज़ार के। अब 10 नवंबर यानी दिवाली से पहले दिल्ली से पटना जाने वाली स्पाइसजेट की फ़्लाइट का जो टिकट हमने ऑनलाइन चेक किया वो है 11,773 से 13,873 रुपये के बीच में मिल रहा है। एयर इंडिया का 16,683 से लेकर 17,943 रुपये तक आ रहा है। इंडिगो का 16,750 से 18,550 रुपये तक का टिकट मिल रहा है। और दिवाली से एक दिन पहले जो हमने चेक किया यानी 11 नवंबर को, तो स्पाइसजेट का जो है 11,773 से 12,771 तक आ रहा था। एयर इंडिया का 14,804 रुपये से 16,800 रुपये के बीच में आ रहा था। देखिए टिकट के किराए कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। दिल्ली NCR का दम घुट रहा है, ये अगली खबर पर हम चले गए हैं। और क्या है, क्यों हांफ रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है राजधानी की जनता का सांस फूलने की प्रदूषण। सरकार आबो हवा को साफ करने के दावे तो करती है, लेकिन वादों का हुआ क्या, पूरी खबर आपको दिखाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस पर सुनवाई की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।